मेरे और अनुराग के साथ भी ना बीच में यही सब हो रहा था। अच्छा, बात तलाक तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? भला हो उस काउंसलर का, उसने मुझे और अनुराग को कुछ उपाय बताए। देना उस काउंसलर का नंबर, मुझे भी देना। उस बंदे का नाम है डॉक्टर संतुष्ट वर्मा। आप लोग एक दूसरे से पक गए हो। Absolutely. आप लोगों के जीवन में फिर से सुख और शांति लाने के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाइए। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। अबे लौंडो, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मेरी तरफ भूखी नजरों से? तुम्हें देखकर मजा आ गया मेरी जान। महाराज जी, 5,000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारो है जाएगो। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5,00,000 रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई पुंडे नहीं। महाराज की दिखाई शरारते दिखाई, ये देखिए दोनों छोड़ दिया। तुम दोनों का ग्रह बहुत भारी चल रहा है बिटिया। कोनो भी पराए मर्द को तुम लोग अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है अगले 1 महीने तक। और अगर गलती से भी कोनो पराया मर्द तुम लोग का चेहरा देख लेगा ना, तो उसका नुकसान तुम्हारे अपने पति को उठाना पड़ेगा। भाभी जी, कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। भरभूति जी, हाँ हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमारा चेहरा देखने का जिद बिल्कुल ना ही कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल पराए जैसी बात कर रही हैं। हाँ तो आप पराए तो हैं। आए? भाभी जी के आने का टाइम हो गया, लेकिन भाभी जी अभी तक नहीं आई। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आए? भाभी जी हेलमेट में? भाभी जी का हेलमेट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे स्कूटी का नहीं दिखा रही है बे। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी सर, प्लीज पलटिए ना। भाभी जी प्लीज पलटिए। म्याऊ 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 म्याऊ। भाभी जी क्या आप अपनी लत छोड़ना चाहेंगे? हाँ छोड़ना चाहूंगा। सकता ना जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये घुटन ये तड़प बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बोलिए क्या करना है। कुछ कीजिए, हमें इस लत से छुटकारा दिलवाइए यार। कुछ कीजिए हमसे, कुछ कीजिए भैया। अपनी लत आप बता क्यों नहीं देते मुझे? अरे नहीं बता सकते भाई। अगर आप मुझे अपनी लत नहीं बताएंगे तब भी मैं आपकी लत छुड़वाने की ताकत रखता हूँ भैया। आइए आइए आइए, लस्सी लस्सी भोला लस्सी भंडार की मजेदार लस्सी। मैडम लस्सी लस्सी। और लौंडो कैसू चल रहा हुए धंधा पानी? यार क्या बताएं, देखो जब ड्यूटी जाती है तो पहले लगते सारो एक गिलास लस्सी पी ले, ऐसी लत लगा दी तो मोरन ने है? पिलवाओ फिर एक और गिलास। ऐसा है दरोगा जी, जे बची है आखिरी लस्सी का गिलास। हाँ, पूरे 5,000 रुपए। हाँ। क्या कह रहा हूँ, 5,000 रुपये की लस्सी? हाँ भैया, 5,000 की तो लस्सी हमने जिंदगी में ना सुनी है। देखो लौंडो, जो 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 ठीक बात ना है, को आदत लग जाती है जब है? मतलब आदत हो गई तो तुम सारे मनमानी कर रहे, सोने के भाव बेच रहे लस्सी है। हम वो मन कर रहा हुए तो तुम सारे ऐसी बातें कर रहे। हमारी खोपड़ी खराब होगी, सारे क्रेन मंगवाएंगे अबे।
पूरी ताल तमड़िया उठवा के फेंकवा देंगे और जो का है भोला लस्सी भंडार सारे उड़तो नजर आएगो। कितने हैं? अरे ये तो बोल ही नहीं सकता गिनी। 5,000 रुपया। 5? अरे मरी मैया। तो भैया साफ सुधी बात ये है गई, जा लस्सी की कीमत फिर उन्हें 5,000 रुपये लगाई है गई। अब तो भैया जो 5,000 रुपया से ज्यादा देगो भाई इस लस्सी को पियोगो गुट गुट करके, वरना जे लस्सी पेलू की। हाँ तो पेलू ने लस्सी कीमत लगाई है 5,000 रुपया। 5,001, 5,002, अरे ओ 5,500। साढ़े पांच हजार। साढ़े पांच लो। दरवाजे ने कीमत लगाई है 5,500। 5,501, 5,502। 6,000। क्या शुरू हो गया? पहलू ने कीमत लगाई 6,000। 6,001, 6,002, 6,500। 6,500 हो गए। लगा 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 लगा। दरवाजे ने कीमत लगाई है 6,500 रुपए। 6,500 रुपए। 1, 6,500 रुपया। 2, अरे 1। लगा लगा लगा। पहलू ने कीमत लगाई है 7,000 रुपया। 7,000 रुपया। 1, 8,000। अरे 8,001, 8,002, 8,003। भाभी जी, भाभी जी। देखिए देखिए भरभूति जी आप फिर से आ गए। हाँ जाइए यहाँ से जाइए। मैं जान चुका हूँ कि आपने इस चांद को बादलों में क्यों छुपा रखा है भाभी जी। कहाँ बोले? अभी भाभी जी अभी अम्मा जी आई थी, उन्होंने बताया कि आप हमसे क्यों पर्दा कर रही हैं। बात दरअसल ये है कि पंडित रामफल का चश्मा खराब था इसलिए उन्होंने पंचांग उल्टी पढ़ ली थी। तो अब आप हटा दीजिए अपने चेहरे के सामने से ये दीवार। आज से जे घर में हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना होगो, कोई बहस ना होगो। हाँ अम्मा तुम बिल्कुल सही कह रही। आज के बाद चाहे तुम कितना ताना दे, कितना सुनाओ, कितना बहस कर लो, कितना खड़ूस बना दे। नहीं चाहे अम्मा हम तुमसे कितनी लड़ाई करें, चाहे हमारी कितनी भी गलती हो, हम आपस में नहीं झगड़े हैं अम्मा। आज बिटिया ने पहली बार खाना बनाया है, नेक भी देना होगा पंडित जी। कैसा बना है छोटे चाचा, लगन चाचा? इस खेल में खलनायिका बनेगी चित्रा, नीलांबरी नहीं। मुझे तो बस उसकी मदद करनी है माधव को पाने में, और आज रात को उसका काम हो जाएगा। फिर देखना हम हो जाएंगे आबाद और वो गवार हो जाएगी बर्बाद। अब मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उठो हीरा, क्या लगा कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा? मेरा इतना बड़ा प्लान तुमने चौपट कर दिया, तो अब तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे कि मैं कहूंगा। इस बार कोई गड़बड़ करने की सोचना भी नहीं। इस घर के सारे लोगों की जान का फैसला अब तुम करोगे। तुम्हारे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो समय निकट आने वाला है जब हमारा लल्ला हमारी आंखों के सामने होगा। हमारा पुत्र अवश्य आएगा देवकी। मथुरा में बंदी बने देवकी वसुदेव को न्याय दिलाने हेतु माता देवकी और बाबा वासुदेव ने मुझे अपनी संतान कहा है, मुझ पर भरोसा किया है कि मैं उनका भरोसा तोड़ दूं। मैं तुझे देवकी और वासुदेव के पास जाने से नहीं रोक रही, मैं तो तुझे कंस के पास जाने से रोक रही। वो तो यही मानता है ना कि तू देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भाभी जी, भाभी जी। देखिए देखिए भरभूति जी आप फिर से आ गए। हाँ जाइए यहाँ से जाइए। मैं जान चुका हूँ कि आपने इस चांद को बादलों में क्यों छुपा रखा है भाभी जी।
कहा बोले? अविन भाभी जी, अभी अम्मा जी आई थी, उन्होंने बताया कि आप हमसे क्यों पर्दा कर रही हैं। बात दरअसल ये है कि पंडित रामफल का चश्मा खराब था, इसलिए उन्होंने पंचांग उल्टी पढ़ ली थी। तो अब आप हटा दीजिए अपने चेहरे के सामने से ये दीवार।